ऑल राइट, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आप सबको खुद मुख्तार नई सुबह खुद मुख्तार प्रोग्राम की वर्कशॉप में खुश आमदीद करती हूँ। आज हमने एक एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन को बुलाया है, जो कि आपको एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन कैसा होता है, कैसे एक विजुअली इम्पेयर्ड एक इलेक्ट्रिशियन वाला भी काम कर सकता है, तो उसकी जो गाइडेंस है वो दे रहे होंगे। तो मैं वेलकम करती हूँ मिस्टर मोहम्मद जवाद अहमद। आप ये फ्लोर है और आप आके अपनी ये वर्कशॉप स्टार्ट कर सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम जवाद। जवाद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जवाद, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम। जी, स्टार्ट करें। उम्मीद करता हूँ कि सब बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और जो आजकल तपता हुआ मौसम है इससे अल्लाह ताला बचा के रखे सबको। जी लिसनर्स, हम लोग यहाँ पे एक नई चीज इंट्रोड्यूस, नहीं तो है, मैं इसको नहीं कहूंगा, बहुत से लोग इस चीज में ऑलरेडी फील्ड में वर्क कर रहे हैं इस हवाले से, ब्लाइंड पर्सन, लेकिन नई सुबह का ये एहसास है कि नई सुबह ने इसको बकायदा एक वर्कशॉप, और उसके बाद फिर अगर लोग इंटरेस्टेड हो गए तो फिर इसमें एक कोर्स का भी इंतमाम किया जाएगा। मैं मुबारकबाद पेश करूंगा नई सुबह के तमाम मैनेजमेंट को और तमाम जो वर्कर्स हैं उनको, कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि ये चीज़ जो लोग कर तो रहे थे लेकिन बकायदा कोई किसी को सिखा नहीं रहा था, और बहुत से लोग इसमें इंटरेस्ट भी रखते थे लेकिन जहरी बात है कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, तो उनके लिए ये मुश्किल था कि कोई चीज इस हवाले से, इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से कुछ सीखा जा सके। तो मुबारकबाद की मुस्तक है नई सुबह, अल्लाह ताला तासुबह क़यामत इस इदारे को कायम दायम रखे, और तमाम ब्लाइंड पर्सन के लिए जो ये खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं इनके अंदर इनको मजीद अपनी काम में बेहतरी लाने की तौफीक अता फरमाए। तो चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। हमारा आज का जो टॉपिक और जो वर्कशॉप का एक कह लेंगे थीम है या एजेंडा है, वो ये है कि बिगनर्स जो हैं इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से सीखने वाले, जो बिल्कुल बुनियादी मालूमात इनको चाहिए होगी, या जो बिल्कुल ये स्टार्ट कर रहे हैं इस चीज़ को सीखना, उनके लिए जो मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशंस लाइक कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या और किस किस किस्म की होती है, और ये किस तरीके से काम करती है, और इसके बाद हम लोग ब्लाइंड पर्सन जो है वो किस हद तक इसमें एक्सेस हासिल कर सकते हैं इस फन में। तो चलते हैं, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन पेश करेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी है क्या? इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली एक मादी चीज नहीं है जिसको हम, यानी कि मादी चीज से मुराद की वो चीज जिसे हम टच कर सकें, जिसको हम पकड़ सकें हाथ में, जिसको हम देख सकें सामने। इलेक्ट्रिसिटी हरारत की तरह ही एक कुव्वत का नाम है, एक चीज का नाम है जो हम फील कर सकते हैं लेकिन हम उसको देख नहीं सकते। जो है इलेक्ट्रिसिटी, ये इंफॉर्मेशन नहीं शायद आप लोगों के लिए हो कि इलेक्ट्रिसिटी इजाद नहीं हुई थी, ये दरियाफ्त हुई थी। इलेक्ट्रिसिटी हर उस चीज में मौजूद है। मिसाल के तौर पे एक चीज, हम कोई भी चीज हमारे पास मौजूद है जिसको हम छोटे से छोटे पीसीज में तकसीम कर सकें, जब लास्ट में एक पीस ऐसा रह जाता है जिसको हम तकसीम नहीं कर सकते, मजीद हम उसको टुकड़े नहीं कर सकते, उसको हम एटम बोलते हैं, और एटम के अंदर ही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रिएक्शन होता है उसी को हम करंट कहते हैं। इसको मुख्तलिफ जो साइंटिस्ट जो हमारे माजी में गुजरे, आज से 100 साल या 200 साल या 300 साल पहले के जो गुजरे, उन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट्स किए मुख्तलिफ और इनको साबित किया। शुरू में तो जब ये एक नई चीज थी कि जब एक साइंटिस्ट ने रेशमी कपड़े के ऊपर एक सुराख को रगड़ा, और फिर छोटे छोटे कागज के पीसेस या छोटी छोटी पंख जो हैं चिड़िया के उनको रखा, और फिर जब सुराख उसके करीब लेके गए तो वो सारे कागज के पीसेस और जो परिंदों के पर थे छोटे छोटे वो उसके साथ चिपक गए। तो उसने इससे ये रिजल्ट निकाला कि ये एक ऐसी पावर है, एक ऐसी ताकत है, कुवत है जो चीजों को अपनी तरफ खींच लेती है। ये उसने इलेक्ट्रिसिटी का इसको नाम दिया उस वक्त, लेकिन कुछ लोगों ने
उस टाइम पे जहरी बात है एक नई चीज थी सबके लिए, तो लोगों ने शुरू शुरू में तो इसको काले जादू का भी नाम दिया कि ये काला जादू है, इस तरह होता नहीं है। बिल्ली के बालों पे रगड़ के या रेशम के कपड़े पे रगड़ के किसी चीज को आप उसके अंदर ऐसी चीज पैदा करने के वो छोटी छोटी चीजों को अपनी तरफ खींच रहे। फिर एक फ्रैंकलन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस चीज को मजीद इसके ऊपर रिसर्च की और उन्होंने ये एक थ्योरी पेश की कि जो आसमान में बिजली कड़क रही होती है वो, और जो एक हम रगड़ के साथ किसी चीज को पैदा करते हैं बिजली को वो, या एक कुवत को पैदा करते हैं वो सेम ही, और ये किसी को अपनी तरफ खींचने की भी सकत रखती है, किसी को झटका देखने देने की सकत भी रखती है। तो उन्होंने क्या किया कि एक पतंग उड़ाई बारिश के दौरान, जब बादल अभी कड़क रहे थे, बारिश सही पूरी तरह से शुरू नहीं हुई थी, तूफान था। तो उन्होंने क्या किया कि उसके साथ एक गीली रस्सी या गीली डोर उन्होंने बांध दी और उसके टॉप पे, पतंग के टॉप पे एक चाबी बांध दी और उसको कनेक्ट कर दिया डोर के साथ। और जब बिजली कड़की और उन्होंने उस गीली डोर के जरिए से उसका झटका करंट महसूस किया, लेकिन फिर भी लोग इसको उस तरीके से मानने के लिए तैयार नहीं थे, जहरी बात एक नई चीज थी। तो मुख्तलिफ लोगों ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए, अलेक्जेंड्रो वोल्टा, उन्होंने ये थ्योरी पेश की कि ये केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में भी हम जो है वो बिजली पैदा कर सकते हैं, एक ऐसी पावर पैदा कर सकते हैं जो किसी ना किसी काम में हम ला सकते हैं, मिसाल के तौर पर रोशनी के लिए या किसी भी चीज को चलाने के लिए, क्योंकि बात उसमें मोटर वगैरह का जो है वो नहीं था, कॉन्सेप्ट नहीं था। तो इन्होंने क्या किया कि एक जो है वो केमिकल सेल तख्लीक किया और उसके बाद इसी थ्योरी को आगे चलाते हुए थॉमस अलेक्जेंडर, उन्होंने डीसी वोल्ट का, डीसी करंट का जो है वो बुनियाद रखा। लेकिन उस में भी ये चीज थी कि उसमें काफी सारी खामियां थी। खामियां सबसे पहले तो ये कि एक तो उसकी ताकत बहुत कम थी, दूसरी के हर 2 मील के बाद या 1.5 मील के बाद उसको जो है वो ताकत प्रोवाइड करने की जरूरत थी मजीद, यानी कि 2 मील के डिस्टेंस पूरा करने के बाद उसके अंदर कमी आने शुरू हो जाती थी, उसकी ताकत कम हो जाती थी। उन्हें फिर 2 मील के बाद नया पावर स्टेशन या नया एक ऐसा सिस्टम बनाना था जो उसकी ताकत को दोबारा से बहाल करे। इसी सिनेरियो में एंट्री होती है निकोला टेस्ला की, और ये आई थिंक सभी ने इनका नाम सुना होगा, एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इसको जब वो आए थॉमस अलेक्जेंडर इसके पास, एडिसन के पास जॉब के लिए, निकोला टेस्ला असल में ये शुरू में ही बहुत ज्यादा क्रिएटिव माइंड के थे। जब इनके बारे में मशहूर है कि जब ये पैदा हुए तो बहुत ज्यादा आंधी तूफान आया था, तो जो नर्स उसके यानी कि पैदाइश के दौरान मौजूद थी, उन्होंने निकोला टेस्ला की माँ से कहा था कि आप का बच्चा जो है वो चाइल्ड ऑफ डार्कनेस होगा, यानी कि उस टाइम तेरी पास तूफान, बिजली हर तरफ कड़क रही है और अंधेरा छाया हुआ है। उनकी माँ ने उस टाइम पे कहा था नहीं, मेरा बेटा जो है वो चाइल्ड ऑफ लाइट होगा, और इन्होंने ये साबित भी किया। और 278 से ज्यादा इनकी इजादात अभी तक जो है वो हम लोग किसी ना किसी हवाले से यूज कर रहे हैं। खैर ये जाते हैं थॉमस एडिसन के पास कि मुझे जॉब की जरूरत है, और वो जॉब पे रख भी देते हैं उनको इनके काम को देखते हुए। और जब निकोला टेस्ला ने महसूस किया कि ये इनकी जो डीसी करंट है या जो जनरेटर ये बिजली जनरेट कर रही है, डीसी करंट जनरेट कर रहे हैं या जो मोटर्स ये इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें काफी ज्यादा खामियां हैं, तो जब ये बात डिस्कस की थॉमस एडिसन के साथ निकोला टेस्ला ने, तो निकोला टेस्ला से एक शर्त रखी एडिसन ने कि आप मेरी जो ये खामियां हैं जनरेटर्स के अंदर या मोटर्स के अंदर, तो अब अगर उनको दूर करते हैं तो मैं आपको $50,000 वो पे करूंगा। ये शर्त मान ली निकोला टेस्ला ने और इसके ऊपर काम भी शुरू कर दिया, और कुछ ही दिनों में उन्होंने 1,000 गुना बेहतर किस्म का डिजाइन जनरेटर्स का और मोटर्स का ला के दिया। लेकिन थॉमस एडिसन, क्योंकि वो एक पीक पे चल रही थी उनकी शोहरत, एक
इतनी ज्यादा थी कि वो अगर देखते कि अगर मैं निकोला टेस्ला की बर्तरी जो है वो तस्लीम करता हूँ तो मेरी जो है वो शोहरत को इस हवाले से नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि ये मेरे से बेहतर काम कर रहे हैं। खैर उन्होंने जैसे तैसे यानी कि उनको कुछ पैसे पे किए ना किए, और निकोला टेस्ला ने उनकी कंपनी को खैरबाद कह दिया और मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स जो है वो ढूंढने लगे कि हम जो है वो एक नया सिस्टम प्रोड्यूस करते हैं बिजली बनाने का। तो इन्होंने डीसी करंट जो है वो उसको खैरबाद कहा, और एक नया करंट जिसको एसी हम कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट बेसिकली इसका जो है वो एसी उसका मुखफ्फफ है, अल्टरनेटिंग साइकिलिंग। तो ये वो करंट उन्होंने दरियाफ्त किया, और ये चूंकि बहुत ज्यादा बेहतर था उससे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 2 मील के बाद थॉमस अलेक्जेंडर की जो दरियाफ्त की डीसी करंट, उसको नई पावर की नई ताकत की जरूरत होती थी, लेकिन जब ये एसी करंट इजाद हुआ तो शहरों के शहर और बस्तियों की बस्तियां बिना किसी पावर नए पावर स्टेशन के वो रोशन होना शुरू हो गई। ये काम आगे चलता गया, इस तरह आज की जो है वो दौर में भी हम इसे मुस्तफीद हो रहे हैं। निकोला टेस्ला ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं जो मेरी वायरलेस टेक्नोलॉजी है, ये किसी दौर में इतनी पावरफुल हो जाएगी कि हम मीलों दूर बैठ के अपने किसी अजीज से बात भी कर सकेंगे और उसको देख भी सकेंगे। जो आज हमारे हाथों में स्मार्टफोन के नतीजे में या उसकी शक्ल में मौजूद है हमारे पास, हमारे जितने भी पावर सेक्टर्स हैं या इंडस्ट्रीज हैं या बल्कि ऑफिसेज या हाउसेज, जितनी भी हमारी आजकल की इंडस्ट्रीज हैं या जो भी हमारा सेटअप बना हुआ है, एक हमारा जितना भी ये सिस्टम है वो इलेक्ट्रिसिटी से अगर इसको कट ऑफ कर दिया जाए तो ये जीरो है। हमारी फैक्ट्रीज, हमारी इंडस्ट्रीज, हमारे ऑफिसेज, हमारे हाउसेज, हर चीज अब तो बल्कि यहाँ तक हो चुका है कि हमारी, बल्कि कल ही मैंने ये खबर सुन रहा था कि इस्लामाबाद अब इलेक्ट्रिकल बसेस जो है वो पहुंच गई हैं, और वो आज के बाद इलेक्ट्रिकल बसेस जो हैं वो चलेंगी। यानी कि इस कदर तरक्की कर लिया साइंस ने कि एक हैवी मोटर, पहली बात है, एक बस छोटी सी चीज तो नहीं है, उसको बिजली पे चलाया जा रहा है। खैर अब आते हैं इसके ऊपर कि एसी करंट क्या है और डीसी करंट क्या है। डीसी करंट बेसिकली हम जिसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं, डायरेक्ट करंट इस सेंस में कि अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो चल रहा होता है एक खास फ्रीक्वेंसी पे। डीसी करंट जो होता है वो विदाउट एनी फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली वो चल रहा होता है, इसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है और इसकी पावर भी बहुत कम होती है। जिस तरह कि हम देख सकते हैं कि सेल्स मुख्तलिफ टॉयज में, मुख्तलिफ चीज़ों में सेल्स यूज होते हैं, ये डीसी करंट की एक शक्ल है। बैटरीज हैं, ये भी डीसी करंट की एक शक्ल है जो डीसी करंट को सेव करती है, या एसी को डीसी में कन्वर्ट करके सेव करती है, और फिर हमें इसी डीसी करंट को मुख्तलिफ इन्वर्टर्स या मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजर के जो है वो इसी करंट एसी करंट में कन्वर्ट होती है, जिससे हमारे पंखे वगैरह लाइट्स वगैरह जलती हैं। डीसी करंट डायरेक्ट करंट और एसी करंट अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट जो होता है ये मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज पे चलता है। फ्रीक्वेंसीज मीन्स के किसी भी चीज का एक साइकिल, यानी कि किसी भी चीज के बार बार रिपीट होने का वो जो दुरानिया होता है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब फ्रीक्वेंसी हमारे जो हाँ यूज हो रही है वो यूज हो रही है 50, जबकि यूरोप कंट्रीज में या मुख्तलिफ अरब कंट्रीज में, गल्फ कंट्रीज में वो 60 हर्ट्ज वो यूज हो रही है। 60 हर्ट्ज से क्या मुराद है या 50 हर्ट्ज से क्या मुराद है कि मिसाल के तौर पर हम अगर बल्ब जलाते हैं, एक बल्ब हमने जलाया है, वो बल्ब 50 दफा 1 सेकंड में ऑन और ऑफ हो रहा है, 1 सेकंड में 50 दफा ऑन और ऑफ हो रहा है, लेकिन हम उसको फील नहीं कर पाते। क्यों फील नहीं कर पाते? क्योंकि उसकी
स्पीड बहुत ज्यादा है, 50 गीगाहर्ट्स या 60 गीगाहर्ट्स बहुत ज्यादा स्पीड होती है, जबकि हमारी आंख की जो है वो हम जो हमारी आंख होती है वो किस फ्रीक्वेंसी पे चल रही होती है, वो 16 गीगाहर्ट्स की फ्रीक्वेंसी पे हमारी होती है, कि हम इतनी चीज या इससे कम फ्रीक्वेंसी वाली चीज को अगर हम देखें तो वो हम उसको जज कर सकते हैं कि ये इतनी देर में ऑन ऑफ हुई है, जबकि हमारी एसी करंट वो 50 गीगाहर्ट्स या 60 गीगाहर्ट्स पे होती है, तो हमारी आंख उसको फील नहीं कर पाती है। उसका तरीकाकार क्या होता है कि हम मुख्तलिफ मिसाल के तौर पे अगर हम देखें हमारी जो कुमकुमे होते हैं, छोटे छोटे लाइट्स होती हैं, जो हम अक्सर शादी ब्याह की तकरीबात या बर्थडे की जो तकरीबात होती हैं उनके उम्र उन पे हम जो डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं, उनमें अगर आप देखें तो कुछ लाइटें ऐसी होती हैं जो जल बुझ रही होती हैं, ऑन ऑफ हो रही होती हैं, तो उसका क्या तरीकाकार होता है, वो कैसे ऑन ऑफ हो रही होती है जबकि वो एक ही सीरीज में लगी होती है, यानी कि एक ही तार में वो लगी होती हैं और ऑन ऑफ भी हो रही होती हैं, वो क्यों ऑन ऑफ हो रही होती हैं एक ही तार में, हालांकि होना तो ऐसे चाहिए कि अगर एक सीरीज में सारी चीजें लगी हुई हैं, मिसाल के तौर पर 10 बल्ब एक सीरीज में लगे हैं, अगर पहला बल्ब उसमें ऑफ हो जाता है तो बाकी सारों को भी ऑफ हो जाना चाहिए, लेकिन वो क्या होता है कि पहला अगर बंद होता है तो दूसरा जल रहा होता है, दूसरा बंद होता है तीसरा जल रहा होता है, एक लाइन से चल रहे होते हैं, ठीक है। वो किस तरीके से अमल में लाया जाता है, एक छोटी सी डिवाइस होती है, अगर अगर ये चाइना लाइट्स की हम देखें तो इनके साथ छोटी सी एक डिबिया लगी होती है, उसके अंदर ये एक छोटा सा सर्किट लगा होता है जो इसकी फ्रिक्वेंसी को तेज या कम कर रहा होता है। अगर जो पुराने दौर में हम लोग फ्लैशर यूज करते थे, एक छोटा सा बॉक्स होता था लोहे का, उसके अंदर जो है ना वो 4 पॉइंट्स बने होते थे, हम 3 से 4 लड़ियां या 3 से 4 जो कह लें कि लड़ियां होती थी, हम उनको कनेक्ट करते थे उसके साथ, और फिर जिस तरह से हमारा पंखे का डिमर होता है जिससे हम स्पीड तेज आहिस्ता करते हैं, इसी तरह से उसके अंदर वो लगी होती थी, हम उसके अंदर उसको जब स्लो करते थे तो बल्बों की जलने और बुझने की स्पीड आहिस्ता हो जाती थी, तेज करते तो वो उसकी स्पीड तेज हो जाती है। खैर ये फ्रीक्वेंसी इसी चीज को कहते हैं कि हम हमारी आंख उसको नहीं जज कर पा रही होती क्योंकि उसकी जलने बुझने की स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है, वो साइकिल जो है वो 50 दफा 1 सेकंड में मुकम्मल हो रहा होता है, इस वजह से हम उसको देख नहीं पाते। उसके बाद डीसी करंट और एसी करंट में एक और फर्क ये होता है कि डीसी करंट जो होता है वो 12 वोल्ट से 24 वोल्ट तक वो चल रहा होता है, और इससे ऊपर जो है वो हमारा एसी करंट चल रहा होता है। वोल्ट है क्या है, वोल्ट अगर किसी चीज की जो स्पीड होती है, एक प्रेशर होता है, फ्लो होता है, उसको हम वोल्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमने एक बुलेट फायर की है एक गन से, और जो जिस स्पीड से वो बुलेट गन से निकली है वो स्पीड जो होती है वो फ्लो जो होता है वो हमारा वोल्ट कहलाता है। अब इसमें तीन चीजें इकाइयां यूजली यूज होती हैं एसी या डीसी, एसी करंट में स्पेशली वोल्ट, वॉट और एम्पेयर। वोल्ट मैंने जैसा कि आपको बताया कि एक इकाई है स्पीड नापने की, कि प्रेशर कितना है, स्पीड कितनी है, जिस प्रेशर के साथ बुलेट निकल के गई है गन से वो वोल्ट कहलाता है, और फिर वॉट, वॉट हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज की ताकत को, जो डैमेज हुआ है उस बुलेट के साथ वो हमारा वॉट होगा। और इसी तरीके से मिसाल के तौर पे हमने अगर एक ट्रैक्टर लिया है, ट्रैक्टर के साथ हमने ट्रॉली कनेक्ट की है, जो प्रेशर बना रहा है वो ट्रैक्टर बना रहा है, और जो वो यानी कि हमारा वोल्ट होगा, जो प्रेशर होगा वो ट्रैक्टर हमारा वोल्ट होगा, और ट्रॉली ये करंट होगा जिसको हम अम्पेयर भी कहते हैं, और जो इसके ऊपर लोड रखा गया है जो खींच के ट्रैक्टर लेके जा रहा है उसको हम वॉट बोलेंगे, वोल्ट प्रेशर, अम्पेयर करंट ताकत उसकी, और वोल्ट जो है वो जो सामान हमने ट्रॉली के ऊपर रखा हुआ है या जो डैमेज बुलेट से हुआ है, जिसके नतीजे में वोल्ट और करंट के
मिलने की सूरत में जो चीज पैदा हुई है उसको हम व्हाट बोलते हैं। मिसाल के तौर पे हमारा जो जो हमारे यहाँ वोल्टेज आ रही होती है यूजुअली घरों में, वो 220 होती है, यानी कि 220 उसकी प्रेशर है, उसका स्पीड है, वो करंट की वो 220 है। और जो करंट हमारे मिल के प्रेशर के साथ, जिस प्रेशर के साथ करंट आ रहा है और बल्ब में जा रहा है, वो हमारा एम्पेयर, और फिर जो बल्ब जला है वो हमारा वाट होगा, यानी कि 30 वाट का एक बल्ब है और 30 वाट ने जितनी रोशनी पैदा की वो 30 जो है वो इकाई जो है इसकी ताकत की, यानी कि वोल्ट और करंट के एम्पेयर के मिलने से जो ताकत पैदा हुई वो हमारा वाट कहलाता है। अब आ जाएं कि हमारा जो है ब्लाइंड पर्सन, वो किस हद तक इस फील्ड में कामयाब है, तो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जहरी बात एक हरफे आखिर नहीं हूं, ना ही मैं कहता हूं कि मैं एक मास्टर हूं इस काम का। जहरी बात है कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। मेरी जहां तक एक्सेस है इसमें, मैंने जितना काम किया है, जो मेरा तजुर्बा एक्सपीरियंस है, वो ये है कि अगर आप बाहर की जो सप्लाई आ रही होती है, जो बाहर खंबे से आ रही होती है, मीटर में से होके आपकी मेन डीपी तक आ रही होती है, उसको अगर डिसकनेक्ट कर दिया जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि घर में, घर की हाउस वायरिंग में कोई भी ऐसी चीज है जो आप नहीं कर सकते। पंखा लगाना, पंखे का कैपेसिटर चेंज करना, या उसको वायर के साथ कनेक्ट करना, उसको स्विच बोर्ड के साथ कनेक्ट करना, सॉकेट को स्विच के साथ कनेक्ट करना, पंखे को डिमर के साथ कनेक्ट करना, या लाइट्स को बटन के साथ कनेक्ट करना, और फिर फ्रिज वगैरह का जो 3 पिन सॉकेट्स होती हैं वो लगाना, या आपकी जो हैवी पंप होता है पानी वाला, उसकी 3 पिन सॉकेट्स को लगाना, इवन आप मेन डीपी जो है जो सारे घर को कंट्रोल कर रही होती है, टू वे स्विच इसमें मिस हो गया, टू वे स्विच लगाना, होल्डर्स लगाना, कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक ब्लाइंड पर्सन नहीं कर सकता, बशर्ते कि जो मेन सप्लाई बाहर से आ रही होती है उसको कट ऑफ कर दिया जाए। इसमें अब खैर, मैं पहले जो है वो थोड़ा सा मुझे साइटेड पर्सन की जरूरत पड़ती थी, स्पेशली तारों का कलर्स वगैरह देखने के लिए, तो अब मैंने रिसेंटली ही नई सुबह से ही एक कोर्स किया, उसमें मुझे एंड्रॉयड का भी सिखाया गया, तो उसमें हमें एक एप्लीकेशन का बताया गया इनविजन एआई के बारे में। इनविजन एआई हमें कलर बता रही होती है कि कौन सा कलर आपके इस वक्त हाथ में है, या सामने वाली चीज पे आप कौन सा कलर है। अब मेरी वो टेंशन भी दूर होगी कि मुझे कोई एक्साइटेड पर्सन कलर बताने के लिए मौजूद होता था। अगर आपके फिंगर्स के सेंसर्स इस काबिल हैं कि आप ग्लव्स पहन के चीजों को महसूस कर सकते हैं, और मैंने ये खुद तजर्बा भी किया हुआ है कि मैंने तो सिंपली ये हमारे यहाँ जो किसान हजरात चारा काटने के लिए या गंदम काटने के लिए ग्लव्स यूज करते हैं, वो ग्लव्स मेरे पास थे, और मैंने अपनी फिंगर की जो पोरे हैं उनके ऊपर टेप लपेट दी थी, यानी कि मजीद एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। वो रबड़ के होते हैं, उनकी ऊपर मैंने मजीद टेप लपेट किया एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए, और मैंने डायरेक्ट सप्लाई जो आ रही होती है उसका भी काम किया। और मेरा नहीं ख्याल कि अगर आपके सेंसर इस काबिल हैं कि चीजों को टेप के साथ, यानी कि आपकी उंगली पे अगर टेप लगी है या ग्लव्स है, तो आप महसूस उनको कर सके, तो आप डायरेक्ट सप्लाई का भी काम इजीली कर सकते हैं। मैंने अभी रिसेंटली हमारे जो घर का सोलर सिस्टम है टोटली, वो मैंने खुद इंस्टॉल किया है बिना किसी की मदद के, सिवाय इसके कि जो फ्रेम्स वगैरह उसके बने थे प्लेट्स के, वो जहरी बात है वो तो मिस्त्री ने फिक्स करने थे उसके ऊपर छत पे, वो काम मिस्त्री का था, और बाकी मैंने टोटली काम खुद किया है। और इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है, स्पेशली हाउस वायरिंग में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो एक ब्लाइंड पर्सन नहीं कर सकता। इवन मैंने जब हमारा ये घर बन रहा था, तो हमने जो छत के ऊपर अंडरग्राउंड पाइप्स डाले जाते हैं, वो खुद मैंने
डिजाइन किए थे, उनका नक्शा टोटली मैंने खुद बनाया था। हाँ, हमें दौराने वायरिंग एक चीज का थोड़ा सा होता है इशू, कि जो झरियां मारी जाती हैं, झरियां लगाई जाती हैं छत से, जो बोर्ड होता है कमरे का, वहां तक पाइप लाने के लिए या वायर्स को लाने के लिए, वो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, नामुमकिन वो भी नहीं है। बाकी रहेगी इसमें टूल्स हम कौन कौन से यूज कर सकते हैं। इसमें हमारी जो मेन चीजें होती हैं वो प्लास, कटर, वायर कटर जो होता है, नोज प्लास, उसके बाद स्टार पेचकस होता है, स्क्रू ड्राइवर, एक स्टार होता है जिसके पांच, यानी कि स्टार की जैसे स्टार के पांच कोने होते हैं, इस तरह के उसके पांच वो बनी होती हैं जिनके अंदर वो पेच एडजस्ट होता है। और उसके बाद प्लस पेचकस यानी कि चार कोनों वाला, और फिर उसके बाद माइनस यानी कि बिल्कुल सिंपल एक जैसा माइनस का साइन होता है इसी तरह से एक सीधी लाइन। उसके बाद टेस्टर, टेस्टर हम इसमें दो तीन चीजें हैं। मैंने रिसेंटली विजिट किया द्राज पे, तो वहां पे मुझे चार पांच किस्म के टेस्टर्स मिले हैं। एक वो जिसकी एलईडी लाइट्स बहुत ज्यादा तेज है, आप एलईडी लाइट्स अगर आप देख सकते हैं तो वो आपको आपके लिए सूटेबल है। एलईडी लाइट्स होती है यानी कि जो हम यूजली टेस्टर यूज करते हैं उसकी लाइट बहुत कम होती है, वो इतनी कम होती है कि सनलाइट में साइटेड पर्सन भी उसको हाथ के उसके घेरे में लेके देखता है, यानी कि हाथ से अंधेरा करता है और फिर टेस्टर को उसके साथ टच करता है और फिर महसूस करता है कि लाइट जल रही है या नहीं जल रही। लेकिन ये जो टेस्टर मैं बता रहा हूँ आपको एलईडी लाइट्स के साथ, इसकी लाइट बहुत ज्यादा तेज है। फिर एक दूसरा टेस्टर है जिसके साथ बजर लगा हुआ है, जब आप वायर के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो करंट अगर आ रही हुई तो वो बजर बजेगा। तीसरा जो है वो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा वो यूजफुल है, वो इस लिहाज से कि आपको वायर के साथ उसको कनेक्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वायर के करीब लेके जाते हैं, चाहे उसके ऊपर छिलका यानी कि उसका जो कवर है, कोटिंग है, वो भी मौजूद है या नहीं मौजूद, सिर्फ आप उसके करीब लेके जाते हैं एक आध इंच के फासले पे, तो वो बजर बजना शुरू कर देते हैं और बता देते हैं कि इसमें भी करंट आ रहा है। उसके बाद ये तीन यानी कि तीन चार किस्म के टेस्टर हैं जो हम यूज कर सकते हैं इस हवाले से। अगर प्लास की बात की जाए, प्लास को यूज करने का तरीका सिंपल है बिल्कुल। इसमें तीन चीजें होती हैं प्लास के अंदर, तीन तरह का उसके अंदर वो बनी होती है जगह। एक सबसे पहले सामने की चीज हो, सामने का जो हिस्सा होता है उसके हम उसके साथ हम किसी चीज को पकड़ सकते हैं, टाइट कर सकते हैं। उसके बाद दरमियान में एक चीज होता है हिस्सा जो गैप की सूरत में होता है, यानी कि दरमियान में गैप होता है। आपने सबसे लास्ट वाले हिस्से से तार को छीला है, यानी कि उसके ऊपर आपने सिर्फ कट लगाया है, दरमियान वाले हिस्से में उसको आपने फंसा के खींचना है और वो निकल जाएगा, वो इसलिए यूज होता है। अब उस जो कट वाला हिस्सा है उसमें भी दो चीजें होती हैं। सबसे जो उस कट का जो सबसे अगला हिस्सा होता है कट लगाने वाला, उससे अगर आप थोड़ा सा जोर देंगे तो वायर बिल्कुल कट जाएगी। अगर प्लास के बिल्कुल बॉटम में आप लेके जाते हैं तार को, तो उसके यानी कि गोल दायरे में उसको घुमाते हैं, तो वो सिर्फ उसका ऊपर जो ऊपर कोटिंग है, कवर है, रबड़ या प्लास्टिक का है, उसको सिर्फ कट लगाएगा, जो बीच में वायर है वो उसको कट नहीं लगाएगा। ठीक है, ये चीजें हम यूज करते हैं प्लास के, प्लास ये तीन काम करते हैं हमारे। कटर जो है वो भी सिंपली उसके साथ भी यही चीज है, यानी कि जितना मैं प्लास में बताया आपको कि दो उसके काम है, कट करने वाले हिस्से के दो काम है, इसी तरह कटर भी है। कटर का बिल्कुल सीधा अगला जो है वो, अगर आप थोड़ा सा उसको जोर से दबाते हैं तो वो तार को बिल्कुल काट देगा, उसके बॉटम में लेके जाते हैं, राउंड में घुमाते हैं उसको, तो वो तार को सिर्फ छीलेगा। और इसी तरह से नोज प्लास है, नोज प्लास हमारा यूजली वहां पे यूज होता है जहाँ पे, अब तो खैर पहले जो हम बोर्ड वगैरह लगाते थे, स्विच बोर्ड लगाते थे, वो होते थे, हम उनको पियानो स्विच कहते थे। उसमें ये होता था कि उसके अंदर नट बोल्ट्स वगैरह लगे होते थे, यानी कि सुराख होते थे बोर्ड में, उसके अंदर हम पहले तो जो जहाँ पे हमने तारे कनेक्ट करनी होती है वो हिस्सा एडजस्ट करते थे, फिर जो तारे सॉरी जो नट लगे होते थे, बोल्ट्स लगे होते थे उसके साथ, वो दूसरे सुराखों में से अंदर उनको एडजस्ट करते थे और फिर नट लगाते थे नोज प्लास के साथ, उसको टाइट करते थे। नोज प्लास उसके लिए यूज होता है, या स्त्री की तार वगैरह
लगाने के लिए यूज होता है, क्योंकि इसरी की तार जहाँ पे एडजस्ट होती है वो जगह बहुत क्लोज होती है। उसको उंगलियों के साथ पहले टटोल के, फिर उसके साथ हम जो है वो नॉर्थ ब्लास्ट के पेज को फंसा के हम उसके साथ उसको टाइट करते थे। अब जो फिटिंग आ रही है हमारे पास वो चाइना फिटिंग है। चाइना फिटिंग में उन्होंने ये इम्प्रूवमेंट लाई है, ये इनोवेशन उन्होंने की है कि हमें अब जिस तरह से पहले बता रहा हूँ कि चाइना सॉरी जो होती थी पियानो फिटिंग, पियानो स्विच की फिटिंग्स जो होती थी उनमें हमें नट बोल्ट्स वगैरह की जरूरत पड़ती थी वो एडजस्ट फिट करने के लिए, यानी कि बोर्ड को स्विच को बोर्ड के साथ फिक्स करने के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। चाइना फिटिंग में जिस तरह से हम लोग पहले नोकिया के या दूसरे मोबाइल्स यूज करते थे, उनकी केसिंग होती थी, एक जगह से नाखून देते थे और वो यानी कि नाखून उसके अंदर सेट करते थे, वो थोड़ा सा दबाव डालते थे ऊपर की तरफ, नाखून को लेके जाते जाते थे और थोड़ा सा दबाव डालते थे, वो केसिंग खुल जाती थी। इसी तरह से अब चाइना ने ये बोर्ड की स्विच की फिटिंग्स इस तरह से बनाई है कि आप टेस्टर, उसमें भी अब दो किस्म की है, एक वो है कि जो बोर्ड के अंदर वाले हिस्से से फिक्स होती है और एक वो है कि जो बोर्ड के बाहर वाले हिस्से से फिक्स होती है। बाहर वाले हिस्से से जो फिक्स होने वाली होती हैं स्विच वगैरह, उनका फायदा ये होता है कि आपको सारा बोर्ड नहीं खोलना पड़ता, सिर्फ ऊपर का केस जो होता है वो आपको उतारना पड़ता है, ऊपर की जो पतरियां होती हैं या ऊपर का जो कवर होता है वो उतारना पड़ता है, बोर्ड को आप खोलना नहीं पड़ता। सिर्फ टेस्टर की मदद से आप टेस्टर को उसके बॉटम में या उसके बिल्कुल जहाँ पे बोर्ड के साथ वो फिट हुई हुई है थोड़ा सा गैप होता है बिल्कुल हल्का सा, सिर्फ इतना कि टेस्टर ही वहां पे सेट हो सकता है। टेस्टर को वहां पे रख के थोड़ा सा पुश करते हैं ऊपर की तरफ तो वो बाहर आ जाता है और आप उसी तरह से उसको यानी कि बिना बोर्ड खोले ही तारे डिस्कनेक्ट करके साकेट या स्विच से आप नया स्विच या साकेट वहां पे एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें भी अब एक चीज है कि अगर एक ब्लाइंड पर्सन खुद काम कर रहा है तो उसको कैसे पता चलेगा कि मैं स्विच या साकेट जो लगा रहा हूँ वो सीधा लगा रहा हूँ या उल्टा लगा रहा हूँ, यानी कि वो नीचे की तरफ जब हम पुश करेंगे प्रेस करेंगे ऑन होगा या ऊपर की तरफ पुश करेंगे प्रेस करेंगे तो ऑन होगा। इसमें जो पहले होता था जो पियानो में था, अभी भी कुछ जगहों पे वो चल रही है, जहरी बात है अगर पुरानी वायरिंग आप रिपेयर करेंगे तो आपको पियानो ही वहां पे सेट करना पड़ेगा पियानो की जगह पे, तो उसमें चीता चट्टान या जिनको ये तीन चार किस्म के जो स्विच होते हैं उनमें मुख्तलिफ हर किस्म का वो है कि स्विच मुख्तलिफ एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इस तरह से कि चट्टान की जो राइटिंग होती है अगर आप हाथ की पोरों से उसको टटोलें तो चट्टान लिखा हुआ नीचे की तरफ उभरा हुआ होता है, वो लिखा हुआ होता है और उभरा हुआ होता है, आप महसूस करेंगे अगर वो नीचे की तरफ चट्टान, अगर चट्टान का है तो वो नीचे की तरफ लिखा हुआ होगा और उभरा हुआ होगा, यानी कि पुश करने से नीचे की तरफ पुश करेंगे तो वो ऑन होगा। आपके अगर हाथ में आपने पकड़ा है स्विच, आपने हाथ में पकड़ा है ऊपर की तरफ बिल्कुल खाली है और नीचे की तरफ पे लिखा हुआ है तो ये बिल्कुल सीधा है, आप इसको इस तरह से फिट कर सकते हैं। जिनको है या ओ, चीको सॉरी जिनको, और एक और थी मेरे जहन से नाम उसका स्किप हो गया, उसकी राइटिंग ऊपर की तरफ होती थी। अब इसमें हम इनविजन एआई की मदद से देख सकते हैं उसको कि वो क्या लिखा हुआ है। अगर वो इसको पढ़ने में नाकाम है तो इसका मतलब है कि आपने उल्टा पकड़ा हुआ है, अगर आपको सही से पढ़ देती है उसको तो वो आप समझे कि सीधा लिखा हुआ है। चाइना फिटिंग में उसमें दो चीजें अब आ रही हैं, जहां पे स्विच ऑन ऑफ का जो है वो एक बिल्कुल हल्का सा कट लगा होता है स्विच के दरमियान में, बिल्कुल हल्का सा कट लगा होता है, अगर वो ऊपर से नीचे की तरफ लगा हुआ है तो उस कट को आप नीचे की तरफ रख के एडजस्ट करेंगे तो वो आपका बिल्कुल सीधा स्विच जो है वो फिक्स होगा। दूसरा है राइट टू लेफ्ट, एक कट लगा होता है हल्का सा, या कट लगा होता है या हल्की सी जगह वो उभरी हुई होती है, अगर उसको आप दाएं से बाएं रखें यानी ऊपर की तरफ रख के बोर्ड के अंदर फिक्स करेंगे तो वो आपका स्विच सीधा होगा। कट अगर है कट नीचे की तरफ आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ जो उसका उसकी यानी कि सिमत है तो वो नीचे की तरफ आप रख के फिक्स करेंगे तो वो बिल्कुल सीधा होगा, अगर वो कट दाएं से बाएं की तरफ या उभरी हुई जो एक पट्टी बनी हुई है दाएं से बाएं की तरफ तो वो आप ऊपर की तरफ रखेंगे तो वो बिल्कुल सही आपका एडजस्ट होगा वहां पे।
अब आ जाते हैं कि वायर्स जो हम यूज करते हैं वो किस किस्म की होती हैं। वायर्स जो होती हैं यूजली हमारे घरों में जो वायरिंग होती है, जो हमारी कॉमन तार आ रही होती है, जो सारे घर में यानी कि हर बोर्ड को जो सप्लाई दे रही होती है, वो हम 7.29 7:29 को कहते हैं, ये हम यूज करते हैं। 7 उसके अंदर तारें होती हैं और 29 उसकी गेज होती है यानी कि उसकी मोटाई होती है, कितनी मोटी है वो। हमें मेन सप्लाई लेने के लिए 7:29 यूज करते हैं, और हम जो बोर्ड से बल्ब की तरफ या बोर्ड से पंखे की तरफ या बोर्ड से सॉकेट की तरफ जो तार लेके जा रहे होते हैं वो हम 3.29 3:29 जिसको कहते हैं वो यूज करते हैं। यूजली हमारे घरों में यही ही तारें यूज होती हैं। जितनी आपकी घर का वो है लोड ज्यादा है, उस हिसाब से आप उसकी तार की मोटाई में गेज में इजाफा कर सकते हैं। हमारे जो खंबे से आ रही होती हैं वो 7:64 की यूजली होती हैं या 60-52 की होती हैं। यही चीजें हम यानी कि वो खंबे से जो मीटर को सप्लाई दे रही होती हैं यूजली वो तारें दे रही होती हैं। उसके बाद डीपी से जो हमारे कमरे तक आ रही होती हैं, बोर्ड में स्विच बोर्ड्स में आ रही होती हैं, और या पंखे से बोर्ड तक आ रही होती है, वो मैंने आपको बताया पंखे से बोर्ड या बल्ब से बोर्ड तक 3:29, और डीपी से जो है वो बोर्ड तक आना वो 7:29 यूजली यूज होती है। अब इसमें एक और चीज है कि हम एक कॉमन तार होती है और एक फेस होता है, न्यूट्रल और फेस, ठीक है। न्यूट्रल तार जो होती है वो हम यूजली यूज करते हैं ब्लू कलर की, ब्लैक कलर की, या येलो कलर की, या ग्रीन कलर की, रेड कलर की, या ग्रे कलर की, या ब्राउन कलर की। जो तार हम यूजली यूज करते हैं वो यूज करते हैं फेस के लिए, यानी कि जो डार्क कलर्स होते हैं वो फेस के लिए यूज होते हैं, जो लाइट कलर्स जिनसे यानी कि ताजगी का या ठंडक का एहसास हो वो हम यूज करते हैं इसके लिए, न्यूट्रल के लिए। न्यूट्रल तार जो होती है वो एक ही होती है, वो यानी कि पंखे में भी जा वही तार बोर्ड से होके बल्ब में, बल्ब से पंखे में, और फिर सॉकेट में भी वही तार जा रही होती है। जबकि बल्ब की तार एक अलग पीस होता है, वो बल्ब से बोर्ड तक आके खत्म हो जाती है। जो पंखे से बोर्ड तक आ रही थी वो पंखे से बोर्ड तक आके खत्म हो जाती है, लेकिन कॉमन वो एक रूम से दूसरे रूम तक, बल्ब से पंखे तक, बल्ब से पंखे से फिर दूसरे बल्ब तक, सॉकेट तक, वो एक ही तार जा रही होती है। इसलिए हम उसको कॉमन कहते हैं कि वो सारों सारी तरफ एक ही तार जा रही होती है। उसका काम ये होता है, अब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। जो चीज हमें यानी कि चीज दाखिल हुई है उसको जहरी बात है एग्जिट पॉइंट भी चाहिए। न्यूट्रल और फेस दोनों मिल के, न्यूट्रल और फेस या माइनस या प्लस दोनों मिल के जो है किसी भी चीज को स्टार्ट करते हैं। बल्ब जलेगा न्यूट्रल और फेस दोनों से मिल के जलेगा, पंखा चलेगा न्यूट्रल और फेस दोनों से मिल के चलेगा। अगर इनमें से कोई एक वायर भी डिसकनेक्ट हो जाती है तो ना पंखा चलेगा ना बल्ब चलेगा, ठीक है। मेरा ख्याल है जो सिंपल सिंपल चीजें जितनी मैं सिंपल कर सकता था मैंने वो सिंपल की हैं, और मुझे उम्मीद है कि मेरे लिसनर्स को इस चीज की समझ भी आई होगी। मेरे पास अभी 10 मिनट है और मैं ये चाहूंगा कि आप लोग अगर कुछ पूछना चाहें इस हवाले से। हाँ, एक और चीज रहेगी, मोटर वाइंडिंग। मोटर वाइंडिंग या होम अप्लायंसेस को रिपेयर करना, ये भी कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं है, ठीक है। कोई भी चीज, मैंने पहले आपको बताया कि अगर सप्लाई मेन सप्लाई आपके पास नहीं आ रही तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। मोटर वाइंडिंग भी इसी तरह से थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, थोड़ा सा पेचीदगी वाला काम है, लेकिन पॉसिबल बिल्कुल है, हर बंदा कर सकता है, हर ब्रांड पर्सन, चाहे वो B1 है, B2 है, कोई भी है, वो कर सकता है इसको। मेरा ख्याल है कि मैंने अपना जो एक नजरिया था, जो मेरे जहन में था, जो चीजें मेरे जहन में थी, मैंने अब तक सही से पहुंचा दी हैं। और इस हवाले से अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मैं जिस काबिल हुआ मैं जरूर उसका आंसर दूंगा जी।
अच्छा, यहाँ आप लोगों को जो भी सवाल करना है जवाब से चैट पे लिखकर या फिर जबानी पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ मैं दो चीज़ें और मेंशन कर दूँ, यहाँ चैट के ऊपर जो है मैं आप लोगों को एक गूगल फॉर्म का लिंक भेज रहा हूँ, तमाम लोग अपने व्हाट्सएप चैट पे वो कॉपी कर लीजिए, बाद में ये गूगल फॉर्म जो है वो फिल करके भेजिए, ताकि आप लोगों को इस वर्कशॉप के हवाले से जो भी फीडबैक है वो पता चल सके। और तीसरी बात ये कि सर्विस सेंटर का नंबर अक्सरियत के पास हमारा है मौजूद, और अगर नहीं है तो सर्विस सेंटर HOD से गुजारिश करूंगा कि वो चैट बॉक्स में अपना सर्विस सेंटर का नंबर डाल दें। आप फीडबैक फॉर्म के साथ साथ बजरिया व्हाट्सएप भी अपने फीडबैक दे सकते हो। तो अब काइंडली आप लोग सवाल कीजिए, जवाब साहब आपके सवाल के लिए मुंतजिर हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर सलमान, मिस अनम ओ सॉरी मिस महक कोई सवाल करना चाह रही हैं। स्टूडेंट है हमारी जी, पूछिए, व्हाई नॉट, पूछिए। जी, पूछो सर। मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ, जैसे एक वर्ड है वोल्टेज, तो अब जो बिजली का जो प्रेशर आता है वो मैक्सिमम कितना परसेंट होना चाहिए? क्योंकि ये तो समझ में आता है ना, बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम हो, तो मैक्सिमम कितना परसेंट होना चाहिए बिजली का जो वोल्टेज है? यूजली हमारे घरों में जो वोल्टेज आ रही होती है वाकता से या कहीं लक्ष्य से, कहीं से भी जो यानी कि मुख्तलिफ पावर प्रोडक्शन कंपनीज हैं, वो उनसे जो आ रही होती है वो 220 हमारे यहाँ यहाँ पे यूज होती है। इससे ज्यादा अगर कम होती है 100 के लगभग या 100-150 के लगभग हमारी होम अप्लाइंसिस अगर जल जाती है ना, बाज़ औक़ात वो काम करना छोड़ देती हैं या जल जाती हैं, उनकी सर्किट्स वगैरह खराब हो जाते हैं, वो इसी वजह से खराब होते हैं कि या तो वो बहुत कम आ रहा होता है, 200 से कम नीचे चला जाता है, और या फिर वो 220 से ऊपर चला जाता है। ये होता है अक्सर में, अक्सर ये इस वजह से होता है कि जब हमारे ट्रांसफार्मर्स होते हैं उनमें, कभी आपने नोट किया हो कि जब ट्रांसफार्मर की जो डी हम जिसको बोलते हैं वो उड़ जाती है या वो उसकी तार खराब होती है या वो वीक हो जाती है बहुत ज्यादा, तो कभी हमारे घरों में बिजली बहुत ज्यादा तेज आ रही होती है और कभी बिल्कुल हमारे पंखे बिल्कुल स्लो चलना शुरू हो जाते हैं। वो इस वजह से होता है कि बाद औकात वो 220 पे होती है, बाद औकात 220 से ऊपर चली जाती है और बाद औकात 220 से नीचे चली जाती है। नहीं 220 जो होता है ना वो हमारा स्टेबल है, 220 स्टेबल है, 220 बताइए कम से कम होना चाहिए। जी जवाद भाई, माशाल्लाह, पहले तो खराज तहसीन पेश करते हैं आपको, क्या एक आपने अच्छी वर्कशॉप कंडक्ट करवाई, जजाक थैंक यू अल्लाह, सो मच। बच्चों को सीखने को मिला। अच्छा, मैं कुछ थोड़े से सवालात कह लीजिए या वो चीज़ें जो आपके यकीनन उसमें इल्म में होगी, आप थोड़ा सा ना इस पे थोड़ा सा और डीपली बताइए, इसलिए कि यार बिना VI और ख़ास तौर पर इलेक्ट्रिसिटी इसमें हाथ डालना आसान काम नहीं है, इसीलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी कर रहा हूँ। हमारे पास एक कराची में भाई हैं जो डायरेक्ट मेन लाइन पे भी काम कर लेते हैं, और घर की वायरिंग वायरिंग और छोटे मोटे काम वो आराम से कर लेते हैं, और अब आप दूसरे पर्सन मुझे मिले हैं जो इस फील्ड में नज़र आए हैं, तो अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाब करे। मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ या इन थैंक लोगों के लिए पूछना चाह रहा हूँ वो ये पूछना चाह रहा हूँ कि यार ये सेफ्टी मेजरमेंट के हवाले से आप बताएं, कि जैसे कि आपने शुरू में एक मेंशन किया, क्या वो ग्लव्स वगैरह यूज करते हैं और टैपिंग वगैरह थोड़ा फिंगर्स पे कर देते हैं ताकि करंट पास ना हो, और मजीद क्या सेफ्टी चीजें हैं जो आप वहां पर एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं, इसलिए कि घर वाले तो आपको पता है कि VI को छुरी पकड़ने नहीं देते, चूल्हे तक ना जाने देते, तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी तो एक अलग ही मामला है। इवन चार्जर का स्विच भी अगर बच्चों को लगाना है तो वो घर वाले हेल्प कर रहे होते हैं, तो
तो वो आप थोड़ी सी सेफ्टी चीजें बताएं कि अगर कोई इस फील्ड में आगे आना चाहता है, इंटरेस्ट लेता है, उनको क्या-क्या सेफ्टी मेजरमेंट का सहारा लेना चाहिए। जैसे सर मैं अगर आपको बताऊं अपने बारे में, जब मैंने शुरू किया था ये, और मैंने ये घर वालों से छुप के शुरू किया था, क्योंकि जहरी बात जैसे अभी आप बता रहे हैं, कुछ बहुत पेरेंट्स जो होते हैं वो इस वाले से बहुत ज्यादा हसास होते हैं। मैं नहीं समझता कि ये उनका खैर उनके जहन के मुताबिक तो ये बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बच्चों के लिए नुकसानदेह है। जब तक आप बच्चों को चलने नहीं देंगे, ठोकर नहीं खाएंगे, तो उनको कैसे पता चलेगा कि इस रास्ते में नुकसान है हमारा। खैर ये एक अलग बहस है। ये जो है सेफ्टी मेजरमेंट्स जो हमारे, स्पेशली जो मैंने अभी आपको ग्लव्स बताया, उसके बाद फिर हम जब जो टूल्स यूज कर रहे होते हैं, मैंने अब जो मेरे पास पेचकस वगैरह जो है मैं यूज कर रहा होता हूँ, और मैंने उनकी जो बिट कह लें उनकी जो जो है वो उसके ऑलमोस्ट 80% मैंने उसको टेप किया हुआ है। वो इस वजह से कि जो हैंडल के अलावा अगर मेरा हाथ कहीं पे टच हो जाए तो मुझे करंट ना कहीं से लगे। सिर्फ जो हिस्सा होता है जिसके साथ मैंने उसको टाइट करना होता है या चेक करना होता है करंट, सिर्फ वो हिस्सा नंगा होता है, बाकी मैंने सबको टेप किया हुआ है। फिर उसके बाद हमारे सबसे पहले तो जब हम हमारे हाथ गीले हैं या हमारे कपड़े वगैरह गीले हैं, जूते गीले हैं, तब तो हमें बिल्कुल भी इस चीज के नजदीक नहीं जाना चाहिए। जब आप काम कर भी रहे हैं, आपने सारे ग्लव्स भी पहना हुआ है, आपने पेचकस पे टेप भी की हुई है, आपका प्लास भी उसकी जो कवर है वो बिल्कुल अच्छी हालत में है, उसके बावजूद आप जब काम कर रहे हैं, अगर आप जमीन पे खड़े होकर काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको रबड़ के जूते चाहिए होते हैं, क्योंकि रबड़ में से करंट पास नहीं होता। अब एक और चीज है कि न्यूट्रल अगर आपके हाथ के साथ टच हो गई है ना, जब तक न्यूट्रल, खैर उसमें तो करंट होता भी नहीं, फेस अगर आपके हाथ हाथ के साथ टच हुआ है ना, जब तक उसे न्यूट्रल नहीं मिलेगा ना, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, अर्थ कह लें, न्यूट्रल कह लें, जब तक उसको नहीं मिलेगा वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसके बावजूद जब आपने अपने आप को कवर किया हुआ अच्छे से, फिर भी आपको रबड़ पे जूते पहनना जो है वो लाजमी है। और उसके बाद अगर आपने किसी ऊंचाई ऊंची जगह पे काम कर रहे तो लकड़ी का स्टूल यूज करें, और उसके ऊपर फिर भी रबड़ के जूते लाजमन आप इस्तेमाल करें। फिर उसके बाद मेरा मशवरा यही है कि ये कुछ लोगों का एक्सपीरियंस, जैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस शो किया कि मैंने डायरेक्ट सप्लाई के साथ काम किया ग्लव्स के साथ, लेकिन मैं मशवरा यही होता है, फिर भी मैं रिस्क बहुत कम लेता हूँ कि डायरेक्ट सप्लाई अगर मुझे साइटेड पर्सन अवेलेबल है तो मैं उसी को कहता हूँ, मैं खुद इसमें हाथ नहीं डालता। अगर साइटेड पर्सन अवेलेबल है तो बअम्रे मजबूरी मैं ये काम करता हूँ डायरेक्ट सप्लाई पे, वरना मैं इसको कोशिश यही होती है कि इसे अवॉइड ही करूँ, क्योंकि बिजली जो है वो किसी के दोस्त नहीं होती है। जी बिल्कुल सही फरमाया जवाद भाई आपने। बस इसमें यह है कि और मजीद आप एहतियात कर सकते हैं। यकीनन जवाद भाई के जहन में ये बात होगी कि अगर आप मेन लाइन पे काम कर रहे हैं, वैसे तो ना करें, जैसे कि जवाद ने कहा, आप मेन स्विच अपना बंद कर सकते हैं और मेन स्विच बंद करके आप अपना काम कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आपको इनिशियल स्टेज पे बिगिनिंग में आपको अगर प्रैक्टिस करनी है, देखना है चीज़ों के बारे में, तो जो स्विच बोर्ड आपके बाहर निकले हुए हैं, खराब हैं, आप उनके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं कि स्विच कैसे लगाया जा सकता है या इसके साथ कौन सा वायर किस तरह अटैच होता है। तो ये सारी ज़रूरी चीज़ें आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे से आपने इसको एलिब्रेट किया। अच्छा, ये थोड़ा सा बताइए कि मुझे ये, अगर खुदा ना खास्ता, वैसे तो आपने बताया कि कलर के लिए आप जो है वो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसके लिए नेट का होना ज़रूरी है, लेकिन जो काम अपने हाथ से आप करते हैं, तो हमारे वीआई की माशाल्लाह याददाश्त अच्छी होती है, तो उसको कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि यार ये फेस है, ये न्यूट्रल है, मैंने अपने हाथ से ही किया था। लेकिन खुदा ना खास्ता दो न्यूट्रल एक साथ मिल जाएं या फेस और न्यूट्रल आपस में चिपक जाएं, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जी, तो उसमें स्पार्क होने का खतरा होता है या इस तरह की चीजें होती हैं वहां पर। अच्छा, मेन स्विच बंद भी करते हैं तो फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अर्थ वगैरह रहता है जिससे इस तरह की चीजें हो सकती हैं, तो वहां पर क्या एहतियात कर सकते हैं। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि आखिरी सवाल है, बल्कि इसमें जो है ना, ये जितनी भी हमारी ये वाली चीजें हैं वोकेशनल से रिलेटेड, इसमें प्रैक्टिकल अगर हो तो ज्यादा अच्छा होता है, ताकि बच्चे को तरीके से चीजों को समझ में आ जाए। तो इसको हम ऑनलाइन यानी कि वर्बली तो बता सकते हैं, तो ऑनलाइन और फिजिकल इन दोनों में आप किस तरह वो
डिफरेंस रखेंगे, और ये जो पहला सवाल किया इसका जवाब बता दीजिए। जैसा अच्छा पहला तो आपने अच्छा कहा ना सर मेरे। जवाद, एक सेकंड सर जवाद, मैं भी अगर एक सवाल कर लूँ, मेरी स्टूडेंट ने क्या जी करना जी है तो वो भी कर दूँ, तो आप तीनों का एक साथ ही जवाब दे दीजिएगा एक एक जी जी करके। थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली सर यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है मेहताब, उनका ये सवाल है कि जैसे आपने बताया था ना वायर्स के कलर्स वगैरह होते हैं, तो एक जी जी वीआई को कैसे पता चलेगा कि कौन से कलर की वायर है और वो कहाँ फिक्स होगी, कहाँ किस तरीके से कलर्स कॉम्बिनेशन, उसको किस तरीके से कलर किस तरीके से वो मैच करेगा, कलर के बारे में वो कैसे देखेगा? जी यहाँ पे मैं पहले तो मैं सर का जवाब, उनके क्वेश्चन का सवाल जवाब देता रहा हूँ। हाँ, मुझे जहाँ तक आपके क्वेश्चन की समझ आई, आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक चीज खराब हो गई है, यानी कि बोर्ड मिसाल के तौर पे खराब हो गया, आपने उसको ओपन किया तो आपको ये नहीं पता चल रहा कि इसके अंदर न्यूट्रल कौन सी है, फेस कौन सा है। शायद आप, मेरे ख्याल में आप ये कहना चाह रहे थे। तो उसमें मैं जो यूज करता हूँ वो दो चीजें यूज करता हूँ, क्योंकि मेरी ऑलमोस्ट 10% या 15% विजन काम करती है, तो उसके लिए मैंने दो चीजें रखी हुई हैं। मैंने वायर के शुरू में जो है वो छोटे छोटे पीसीज हैं पेचकस को ही कि मैंने तोड़ के वो बनाए हुए हैं, वो आगे लगा के वायर के साथ कनेक्ट करके उसको, उसके ऊपर रबर कोटिंग की हुई है। अच्छा, उसके साथ फिर मैंने कनेक्ट की हुई है, एक के साथ वो है बल्ब है, और एक के साथ मैंने जो हमारे घरों में बेल यूज होती है वो रखी हुई है। अच्छा, अब तीन तारे हैं जिनमें से हमें ये, या चार तारे हैं जिनमें से हमें ये पता लगाना है कि इसमें से न्यूट्रल कौन सी और फेस कौन सी है। तो उसका तरीकाकार ये होगा कि सबसे पहले जो हमारे पास अवेलेबल तार है उसके साथ हम वो एक वायर कनेक्ट करेंगे जो हमारी बेल की या बल्ब की है। फिर बारी बारी हम सारी चीजों को, सारी तारों को बारी बारी उसके साथ कनेक्ट करेंगे, यानी इकट्ठी नहीं कनेक्ट कर सकते हम, ठीक है? क्योंकि अगर हमारे पास जो तार पहले अवेलेबल है उसके साथ हमने कनेक्ट की हुई है, उनको छोड़ के तार, तीन तारें बच गई, अगर हम तीनों तारों को आपस में जोड़ दें, हो सकता है उसी में न्यूट्रल हो, उसी में फेस हो, तो वो आपके घर का फ्यूज या ब्रेकर ट्रिप कर सकते हैं, या फ्यूज उड़ सकता है, और शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। उसमें फिर हम ये करेंगे कि पहले हम एक तार को लेंगे, उसके साथ हम कनेक्ट करेंगे एक वायर, फिर बारी बारी हम सारी तारों को चेक करते जाएंगे। जहां पे बेल बज गई, जहां पे बल्ब जल गया, उनमें से हमारा एक न्यूट्रल है और एक फेस है। अच्छा, हम ये दो तारे निकल आई हमारे पास, एक फेस निकल आया और एक न्यूट्रल निकल आया, दो तारे जो थी अब वो हमने छोड़ दी, उनमें से एक पंखे की हो सकती है, एक सॉकेट की हो सकती है, या एक बल्ब की हो सकती है, वो हमने छोड़ दी। अब इसमें से हमने ये चेक करना है कि न्यूट्रल कौन सा है और फेस कौन सा है, इन दोनों तारों में से हमने चेक करना है फिर। अब ठीक है, अब हमने पहली जो तार हमने कनेक्ट की हुई थी उसके साथ बेल के साथ, हमने उसको वहीं पर रहने दिया, जो तार हमें फेस मिला था या न्यूट्रल मिला था उसको हमने अलग कर दिया, जो तो दो तारे हमारे पास बच गई थी उसको फिर हमने चेक करना है, उनके साथ बारी बारी लगा के हमने चेक करना है। हमारे पास जो पहली तार कनेक्ट थी वो वहीं पे रहेगी, फेस जो हमें मिला उसको साइड पे कर दिया, जो तार, दो तारें तीन में से बच गई थी उनके साथ हम दोबारा बारी बारी वो दूसरी वायर कनेक्ट करेंगे। अगर तो बल्ब जल गया या बेल बजी, तो हमारे पास जो पहले से तार हमने साइड पे की हुई थी जिसके साथ हमने एक तार कनेक्ट की थी वो फेस है, क्योंकि न्यूट्रल मैंने जैसे वर्कशॉप के दौरान बताया कि वो सारी तरफ घूम रही होती है, वो पंखे में भी जा रही है ऑलरेडी पहले से ही, और बल्ब में भी जा रही है। अगर तार कनेक्ट करने के बाद नहीं जली, बेल या बल्ब नहीं जला, तो हमारा न्यूट्रल है, उसको हम हाथ भी लगा सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है, अब वो साइड पे कर दिया, ठीक है? और फिर जो हमने वो ऊपर साइड पे की थी वो हमारा फेस था, अबे हम ये क्लियर हो गया कि वो फेस था और ये न्यूट्रल है। अब मेरा ख्याल है आपके क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा। दूसरी बात, मैं मकसद ने ये पूछा था कलर्स के बारे में कि कलर्स का कैसे पता चलता है। इसमें हमें होता है कि साइटेड पर्सन की बातों का तो हमें जरूरत पड़ती है, वो मैंने अब जब काम कर रहा हूँ तो मेरा भी भतीजा है वो 6-7 साल का, वो मुझे बता देता है कलर्स। नहीं भी हो तो जब आपने अपने हाथ से वायरिंग करनी होती है ना, तो आपको पता होता है कि मैं कौन सी तार कहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, मैंने किस को फेस दिया और किस को न्यूट्रल बनाया है, वो आपको पता होता है। अगर आपने मिसाल के तौर पर पुराना बोर्ड खोला है, वहां से आपने ये जज करना है इसमें से फेस कौन सा न्यूट्रल कौन सा है, तो वो भी तरीका आसान है। वो तरीका आसान इसलिए है कि न्यूट्रल जो होती है वो आ रही होती है सिर्फ और सिर्फ सॉकेट में,
बोर्ड में, ठीक है, सॉकेट से होके फिर वो ऊपर बल्ब और पंखे में जा रही होती है। फेस जो होता है, सब स्विच में, सब जितने भी स्विच लगे हुए हैं सब में जो तार जा रही होगी नीचे, स्विच के दो हिस्से होते हैं ना, एक में आपके पंखे की तार कनेक्ट होगी या बल्ब की तार कनेक्ट होगी, दूसरे में आप फेस देते हो, ठीक है। अब वो जो तार सब स्विच में से होके गुजर रही है वो फेस है, क्योंकि वो पंखे को फेस के साथ मिलाएगी बटन ऑन होने पे, तभी पंखा चलेगा ना। और जो सॉकेट में आ रही होती है वो न्यूट्रल होती है। सॉकेट में फेस कहाँ से जा रहा होता है? सॉकेट में फेस जा रहा होता है स्विच में से होके, ठीक है। एक तार हमारी स्विच में से होके सॉकेट में जा रही होती है, वो फेस प्रोवाइड कर रही होती है सॉकेट को, और एक डायरेक्टली न्यूट्रल आ रही होती है जो वहां पे न्यूट्रल प्रोवाइड कर रही होती है। जहां तक कलर्स की बात है, वो मैंने आपको बताया कि इनविजन ए आई, और फिर मैं खुद जो करता हूँ काम, मैं अपना अगर एक्सपीरियंस शो करूँ तो मैं जब तारें खरीदता हूँ ना, तो वहीं से मैं उनके ऊपर निशानी कोई ना कोई लगा के ले आता हूँ, ताकि मुझे पता चलता रहे कि ये जो है, स्पेशली मैं गिरा लगा देता हूँ न्यूट्रल पे, ताकि मुझे पता चलता रहे जहां जब ये न्यूट्रल जाएगी गिरा वाली तार, ये न्यूट्रल होगी, और जहां पे मुझे कट ऑफ करनी होती है, कट ऑफ करने के बाद दूसरे सिरे पे मैं दोबारा गिरा लगा देता हूँ। ये मैंने एक निशानी रखी होती है नई वायरिंग करने के लिए। पुरानी का तो आपको मैंने बता दिया ऐसे पता चलता है। फिर भी अगर आपको इन्वेजन आई आप यूज कर सकते हैं, अगर उसमें भी आपको नहीं पता, फिर डेफिनेटली आपको एक साइटेड पर्सन की जरूरत पड़ेगी। वो आप कोई बच्चा भी ले सकते हैं, कोई बीबी भी ले सकते हैं जो इसके हवाले से बिल्कुल नो हाउ नहीं रखती है, सिर्फ वो आप उसके यानी कि तारों का कलर ही पूछ सकते हैं, बस इसके अलावा उसका कोई काम नहीं होता। यहाँ पे आपको साइटेड की जरूरत पड़ेगी। बाकी वायरिंग टोटली आप अगर नए सिरे से कर रहे हैं तो आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जवाब भाई, मेरा भी एक सवाल था, मैं भी कुछ पूछना चाह रहा था। वालेकुम सलाम तलहा भाई। जी, तलहा भाई, जी, दो सवाल थे। एक तो ये कि जैसे मेरी आपसे पहले बात भी हुई थी, और मैं जैसे आपने अभी सारी ट्रेनिंग सेशन दिया उसमें बताया, मैं चाह रहा हूँ कि मैं प्रैक्टिस के लिए एक जो हमारा 3 प्लग का बोर्ड होता है वो बनाऊँ, ताकि मैं उसके अंदर जो हमारे दो तार होते हैं प्लग में लगाने के लिए, जो हम कनेक्शन करते हैं उसको आसानी समझने के लिए जो है ये एक प्रैक्टिस कर सकूं, ताकि मैं आगे मजीद, अगर हम बोर्ड पे बात करते हैं कि हम बोर्ड पे प्रैक्टिस कर रहे हैं या बोर्ड को बटन स्विच चेंज कर रहे हैं, सॉकेट चेंज कर रहे हैं, तो वो कर सकें। तो एक बोर्ड बनाना चाह रहा हूँ, मुझे इसमें थोड़ी सी आपकी हेल्प दरकार होगी। सेशन के बाद आप टाइम दे सकें, जब मैं आपको कॉल मैं करूँ तो अभी आप यहाँ मुझे पे इसमें उसको थोड़ा इंस्ट्रक्ट सा कर सकें। बता देता हूँ ताकि बाकियों हाँ, को थोड़ा भी सा इस इसको भी समझ में बता आ दें। सके। और दूसरा ये कि हमने एक सवाल और तो साथ ही कि हमने एसी और डीसी दोनों की बात की, तो जी डीसी जी का मैंने यहाँ भी देखा था कि डीसी काफी ज्यादा मतलब इजी होता है, क्योंकि उसमें 12 वोल्ट आ रहे, 12 वाट आ रहे होते हैं, वोल्ट आ रहे होते हैं, ये भी थोड़ा सा सही करते हैं कि वोल्ट आ रहे होते हैं कि वाट आ रहे होते हैं, ये भी आपने बताया वोल्ट था आ रहे होते हैं, वोल्ट हमें, वोल्ट वोल्ट आ रहे होते जी। हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा हमारे लिए आसान होता है, क्योंकि उन तारों में करंट नहीं आ रहा होता, वो तार गर्म हो रहे होते हैं, अगर तो उसके अंदर वोल्ट हमारे बहुत ज्यादा हैवी नहीं आ रहे होते, तो ये ज्यादा आसान है। फिर हमें इस तरफ, अगर हम इलेक्ट्रिशियन का काम, या अगर हम ऐसा VI जो B1 कैटेगरी या काफी लो विजन साइट का हो और वो करना चाहे, तो उसको पहले इन इन चीजों से प्रैक्टिस करनी चाहिए कि सोलर, आजकल जैसे सोलर का सारा मामला चल रहा है, तो उस पर पहले प्रैक्टिस करे, बाद में फिर ये AC की तरफ जाए, ताकि इस तरह के मामला में सीखने में आसानी हो सके। अच्छा, मैं जब जवाब आपको से ये महक दूसरे सवाल जी जी करना चाह रही हूँ, वो भी उनका जी भी जी सवाल ले लूँ, ये जी जी बोले जी इस्लाम सर, मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ। अक्सर हमारे मामू ये भी कहा करते थे कि जो AC वाले हैं ये बिजली बर्दाश्त कर लेते हैं या करंट खाते हैं, एक मामला ये भी समझ लें। तो अब ये जो बिजली है, क्योंकि हमें जैसे हमारे यहाँ होता है कि जब घर आते हैं लाइट वाले, तो ऊपर हमें तो बहुत खतरनाक लगता है ऊपर चढ़ना, तो ये लोग किस तरीके से ऊपर चढ़ जाते हैं, किस तरीके से उस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो बेहद बहुत मुश्किल होता है। अच्छा महक, पहले मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं। मैंने जैसा दौरान ट्रेनिंग भी या किसी क्वेश्चन के आंसर में भी मैंने बताया था कि फेस और न्यूट्रल दो चीजें जब दोनों आ रही होती है ना, उस वक्त आपको ये नुकसान पहुंचाती हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे खुदा ना खास्ता कोई बंदा गिर रहा है बिल्डिंग से, नीचे तार जा रहे हैं बिजली के, ठीक है। अगर वो सिर्फ एक तार को हाथ डाल के लटक जाए ना, तो वो उसको कुछ भी नहीं कहेगा। अगर वो जब तक वो दूसरी तार के साथ जो है ना वो कनेक्ट नहीं होगा, तब तक वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये उसूल होता है वाटर बानो के जहन में भी, ठीक है।
वो पहले तो जैसा मैंने बताया कि वो ग्लव्स और रबड़ के जूतों के बिना कभी भी खंबे पे नहीं चढ़ते हैं, ठीक है। इवन के जो घर में वायरिंग करने वाले जो आते हैं वो भी इन चीजों का बहुत ख्याल रखते हैं, जब तक के उनके साथ डायरेक्ट सप्लाई कनेक्ट नहीं हुई होती, ठीक है। जब डायरेक्ट सप्लाई कनेक्ट हो जाती है तो वो भी इस चीज का बहुत ख्याल करते हैं, ये नहीं है कि वो इन चीज को करंट, जहरी बात है, जो भी काम आप करना सीखना शुरू करते हैं उसमें पहले आपको चोटें लगती हैं, नुकसान आपका होता है, फिर आप उसको सीखते हैं। तो वो इस हो सकता है वे मैं कह रही हूँ कि वो करंट बर्दाश्त कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया होता है इस चीज को। मैंने खुद बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया है, और इवन एक दफा तो मेरा ऐसा था कि बस मैं गया काम से, इतनी हद तक मुझे वो हुआ था। उस टाइम मेरी विजन भी बहुत ज्यादा बेहतर थी, ठीक है। ये मैंने जो काम शुरू किया भी शौकिया तौर पे मैंने शुरू किया कि यानी कि कुछ करूं, कोई एक्स्ट्रा दूसरों से अलग, दोनों से दूसरों से अलग कुछ करूं, बस ये इसी चक्कर में मैंने ये काम शुरू किया। और अब आ जाऊं तलहा भाई की तरफ, तो तलहा भाई जो डीसी करंट होता है ना, इसमें बहुत ज्यादा लिमिटेड चीजें हैं, आप एसी के मुकाबले में डीसी को नहीं ला सकते। वो इस वजह से कि अब एक बैटरी, जैसा मैंने जब इंट्रोडक्शन करवा रहा था मैं इलेक्ट्रिसिटी का, कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या, उसमें भी मैंने बताया था कि डीसी करंट जो है वो उसकी ताकत बहुत कम होती है, जैसा बता रहा था कि हर 2 मील के बाद उन्हें एक नए पावर स्टेशन की जरूरत बनती थी। तो इसी तरह से बैटरीज हैं, अब सोलर, सोलर की मैं आपको और आपको बात बताऊं, सोलर प्लेट अगर आपके पास छोटी है, 180 वाट की प्लेट है आपके पास, ठीक है, वो आपको 12 वोल्ट प्रेशर के साथ दे रही है और उसके साथ आपको 7 से 9 एम्पेयर भी वो आपको प्रोवाइड कर रही होती है। लेकिन जैसे जैसे आप उसको उसकी तार को लेंथ देते जाते हैं, यानी कि जितने दूर वो लेके जाते हैं, जितना दूर होगा पंखा या बल्ब प्लेट से, उसकी ताकत उतनी कम होती जाएगी, जबकि एसी में ऐसा नहीं होता। इसलिए कि मैं ये कह रहा हूँ आपको कि अगर डीसी से आपने शुरुआत करनी है तो डीसी की बहुत ज्यादा लिमिटेशंस हैं, इसमें बहुत ज्यादा महदूद ये काम है इसका। बैटरी से आप कितना एक चला सकते हैं, कितनी चीजें चला सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2-3 बल्ब और वो एक पंखा, वो भी आपको डायरेक्ट नहीं चलेगा। सोलर के लिए जो लाइट्स होती हैं या जो पंखे होते हैं वो अलग से होते हैं, एसी डीसी पंखे वो अलग होते हैं, उनके लिए जो है वो सिर्फ बैटरी पे चलने वाले पंखे जो है वो और होते हैं, वो सिर्फ 12 वोल्ट ही लेते हैं, और वो भी अब एक तार के साथ आप 2 से 3 कनेक्ट करेंगे तो वो स्लो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए इसमें लिमिटेशंस हैं। हाँ, अगर आप सीखना चाह रहे हैं एसी को तो फिर आपके लिए यही है कि आप छोटे पैमाने से थोड़ी छोटी छोटी चीजों को सीखना शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता आप बड़े लेवल पे आ जाए। अब तीसरा सवाल आपका कि आप एक एक्सटेंशन लीड बनाना चाह रहे हैं, एक्सटेंशन बोर्ड बनाना चाह रहे हैं, तो वो आप सिंपल, अगर आपने इसके अंदर 2 या 3 सॉकेट्स रखनी है, सिर्फ सॉकेट्स रखनी है आपने जिनके अंदर आपका प्लग या शू लग सके, तो वो बिल्कुल सिंपल है। आप जो तार लेंगे, फ्लेक्सिबल तार जो हम यूज करते हैं एक्सटेंशंस के लिए, यूजुअली वो हम 2376 या 4076 यूज करते हैं, ठीक है, जो अमूमन आपके पेडिस्टल फैंस होते हैं या जो रूम कूलर्स होते हैं उनके साथ वो लगी हुई आती है, उसको हम फ्लेक्सिबल तार कहते हैं, या 2376 या 4076 उसको वो तार कहते हैं। उसको अगर आप छीलें, ऊपर का कवर उसका हटाएं, तो उसके अंदर 2 तारें निकलेंगी, ठीक है, एक का रंग ब्लैक होगा, एक का जो है वो रेड होगा, या एक ब्लू होगी एक रेड होगी, इस तरह से होगी। तो वो सिंपली आपने बिल्कुल सीधा सीधा इसी तरह से हर उसमें सॉकेट में एक तार सुर्ख लगानी है और एक तार ब्लैक या ब्लू लगानी है, ठीक है, हर सॉकेट में एक तार सुर्ख लगानी है एक ब्लू लगानी है। तो वो आपका सिंपली, चाहे वो 3 सॉकेट्स हैं, चाहे 4 हैं या 2 हैं, वो आपकी एक ही तार के साथ वो कनेक्ट हो जाएंगे, वो चल जाएंगे एक ही तार के साथ। तो कोई है तो बोले उनको एसी का पानी कितना नीचे पड़ा, एक सेकंड जी शाम को भेजो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम अरहम जावेद है, मैं लाहौर में रहता हूँ। टोटली मैं ब्लाइंड हूँ ना, तो जी मेरा सवाल ये है कि क्योंकि मुझे तो अभी फिलहाल कोई भी मतलब इस तरह के काम में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, या मतलब कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है, ना मैंने कभी इसमें कोई हाथ डाला ना कोई ऐसा वैसा मतलब एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर मैं सीखना चाहूँ तो कैसे सीख सकता हूँ? अरम भाई, कोई भी काम जो है ना वो नामुमकिन नहीं है, ठीक है। आपने
सबसे पहले जब कंप्यूटर आया तो सर्टेड लोग ही सिर्फ यूज कर सकते थे, उसका अल्टरनेट सोल्यूशन जो है वो आया, जहाज आया। इसी तरह से टॉक्स मोबाइल में हमने यूज किया, अब टॉक बैक यूज कर रहे हैं, जीशो वगैरह यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ आलात, मुख्तलिफ चीजें और हमारे ब्लाइंड लोगों के लिए भी हैं जो हम इस फील्ड में यूज कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने आपको टेस्टर का बताया, इस तरह से और भी चीजें हैं। ठीक है, टॉकिंग वोल्ट मीटर्स हैं, टॉकिंग अम्पेयर मीटर्स हैं, ये चीजें हम अवेलेबल है, हम यूज कर सकते हैं इनको। फिर दूसरी चीज, आप सीख कैसे सकते हैं, तो आप इसको ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, फिजिकली भी आप किसी के पास जाकर सीख सकते हैं। लेकिन अगर मैंने ये नोटिस किया और मेरा एक्सपीरियंस भी इस हवाले से है कि एक साइटेड पर्सन आपको आपके जहन के मुताबिक सिखाना जो है ना, वो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ब्लाइंड लोगों को चीजें टटोल टटोल के उनके लिए जरूरी है सीखने के लिए उनके, लेकिन साइटेड पर्सन वो एक जुबान से ही बता रहा होता है कि भाई इसको ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये ऐसे हो जाएगा। लेकिन ब्लाइंड बच्चे को, ब्लाइंड बंदे को उसके जहन के मुताबिक जो ऐसा बंदा ही सिखा सकता है जो उसके जहन को समझता हो, उसकी डिसेबिलिटी को समझता हो। तो ये ऑनलाइन भी आप सीख सकते हैं, ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि इसको आप ऑनलाइन नहीं कर सकते। फिजिकली अगर आपको मिले तो वेल एंड गुड, ऑनलाइन भी आप इसको इजिली सीख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। जी, बहुत शुक्रिया जवाद, आपने तमाम लोगों के सवालों के जवाब दिए और बहुत अच्छे तरीके से दिए। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था, मैं चैट बॉक्स में लिंक दे दिया है फीडबैक फॉर्म का, तो काइंडली आप लोग इसको फिल कीजिए, और सर्विस सेंटर के नंबर पे व्हाट्सएप के ऊपर भी आप लोग बता सकते हैं। तो मिशन, हम आपको कुछ कहना है? नहीं, बाकी बहुत अच्छे से आपने हर चीज़ को एक्सप्लेन किया, और अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम इसको एंड करते हैं। नहीं आना किसी का क्वेश्चन? नहीं जी, और किसी का सवाल नहीं है, तो ऑलराइट, बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। बहुत शुक्रिया आप सबका। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नई जी वर्कशॉप में। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह, थैंक यू, अल्लाह।